वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना लेक्चर है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। अपन क्या है, स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने किन किन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। बोन के बारे में पढ़ लिया था, टाइप ऑफ बोन के बारे में पढ़ लिया था, बोन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन एंड सिस्मोइड बोन के बारे में डिस्कस किया था, और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो नया पॉइंट स्टार्ट करने से पहले अपन क्या है, एक बार जो प्रीवियस लेक्चर है उसको फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू है उसको अपन क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। बोन बनती किससे है, बोन के अंदर क्या है, वाटर होता है 25%, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूटेड 20% और इनऑर्गेनिक होता है 50%। इन तीनों चीजों से मिलकर क्या है, अपनी बोन बनती है। नेक्स्ट अपनी स्ट्रक्चर ऑफ बोन अपन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, सिस्मोइड बोन, जो टाइप है बोन के उनके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, बोन को माइक्रोस्कोप में कैसे देखते हैं तो किस टाइप की दिखती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्पैक्ट बोन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पंजी बोन, बोन सेल, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू, फंक्शन ऑफ बोन। तो बोन जो है, बोन के अंदर अपन किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन सबसे पहला पॉइंट जो है अपना वो क्या है, बोन के बारे में अपन क्या है डिस्कस करेंगे। तो बोन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर बनी है, बोन क्या है, बोन के टाइप कौन से हैं, बोन की स्ट्रक्चर कौन सी है, बोन की जनरल स्ट्रक्चर है, लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर है, शॉर्ट बोन जो है उसकी इरेगुलर बोन है, फ्लैट बोन है, सिस्मोइड बोन है, बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखेंगे उसको। कॉम्पैक्ट बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, स्पंजी बोन के बारे में डिस्कस करेंगे, बोन सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर अपन फंक्शन ऑफ बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में क्या अपन डिस्कस करेंगे। तो बोन के अंदर अपने को ये पॉइंट पढ़ने हैं। नेक्स्ट अपना क्या है, जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या है, दो टाइप से किया हुआ उसको, एक एक्सियल स्केलेटन होता है और एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्केलेटन को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक क्या है, एक्सियल स्केलेटन होता है, देन आफ्टर क्या होता है आपका, अपेंडिकुलर। तो सबसे पहले क्या आपका, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन तीन चीजों से मिलकर बना है, स्कल। स्कल में क्या देखेंगे अपन, क्रेनियम, फेस, साइनस, कंटेंट्स ऑफ द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, टिपिकल वर्टिब्रा, स्पेशल फीचर ऑफ वर्टिब्रा एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फीचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज। एक्सियल स्केलेटन जो है उसके अंदर अपन किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, स्कल के बारे में करेंगे, क्रेनियम, फेस, साइनस, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, टिपिकल वर्टिब्रा, स्पेशल फीचर ऑफ वर्टिब्रा, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फीचर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज, इनके बारे में क्या है अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपना जो सेकंड टाइप है वो क्या है, अपेंडिकुलर सेक्शन। अपेंडिकुलर सेक्शन जो है, यस सॉरी, अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है, अपेंडिकुलर स्केलेटल में क्या आता है, शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिंब आती है, पेल्विक ग्रिड एंड लोअर लिंब आती है। ये क्या है, दो अपेंडिकुलर स्केलेटल जो है उसके अंदर अपने कौन से पॉइंट आते हैं, शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिंब और पेल्विक ग्रिड एंड लोअर लिंब, ये क्या है अपने अपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं। और एक्सियल स्केलेटल में क्या क्या चीजें आती है, अपनी स्कल आता है,
क्रेनियम आता है, फेस आता है, साइनस आता है, फ्रंटल ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, टिपिकल वर्टिब्रा, स्पेशल फीचर्स ऑफ वर्टिब्रेन, डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, फंक्शन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक कैज। ये क्या है? एजियल स्केलेटन में आते हैं और अपेंडिकुलर में अपने दो चीजें आती हैं, शोल्डर ग्रिड एंड अपर लिम्ब, पेल्विक ग्रिड एंड लोअर लिम्ब। ये केस में आती है अपनी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना रहेगा हीलिंग ऑफ द बोन। तो हीलिंग ऑफ बोन में क्या है, बोन की हीलिंग कैसे होती है, और सबसे पहले क्या है फैक्टर दैट डिले हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर होगा तभी क्या है बोन की हीलिंग होगी। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिले करते हैं किसकी, बोन की हीलिंग को। ठीक है, देन आफ्टर अपन फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फ्रैक्चर। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, बोन। बोन क्या है, बोन इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन बनती किससे है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 25% वाटर, 25% ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट इंक्लूडिंग कार्बो कंटेनिंग पार्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड बोन सेल। क्या होता है, 25% होता है। इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो कितने होते हैं, 50% होते हैं। उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, मैनली कैल्शियम और कैल्शियम फॉस्फेट है वो आता है इसके अंदर। ऑल द बोन आर ओपन थ्रू द बी स्टेटिक और परमानेंट, दे आर हाईली वेस्कुलर लिविंग स्ट्रक्चर दैट आर कंटिन्यूअसली बीइंग रिमॉडल्ड। तो बोन है, बोन क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वाटर होता है 25%, 25% क्या है बोन सेल होती है, कार्बोनेट पार्ट होता है, और 50% क्या होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसके अंदर मेनली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्या है अपना, टाइप ऑफ बोन। बोन आर क्लासिफाइड, बोन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बोन आर क्लासिफाइड लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सिस्मोइड बोन। तो बोन को जब क्लासिफाई किया गया, टाइप जो है बोन के वो कौन से हैं, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन और सिस्मोइड बोन। ये क्या है अपने बोन के टाइप होते हैं। तो कौन से टाइप है, लॉन्ग बोन हो गया, शॉर्ट बोन हो गया, इरेगुलर बोन हो गई, फ्लैट बोन हो गई और सिस्मोइड बोन हो गई। ये क्या है अपने बोन के टाइप है। नेक्स्ट क्या है अपना, सबसे पहले लॉन्ग बोन, दीज कंसिस्ट ऑफ ए शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज। ये क्या है, एक शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, दो एक्सट्रीमिटीज से मिलकर बनी होती है। एज द नेम सजेस्ट द लेंथ इज मच ग्रेटर देन द विड्थ। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, अधिक होती है, किसकी तुलना में, विड्थ की तुलना में, इसकी चौड़ाई की तुलना में इसकी लेंथ है वो क्या है, अधिक होती है। एग्जाम्पल क्या है इसके, फीमर है, टीबिया है, फिबुला है, ये क्या है अपने लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है। तो लॉन्ग बोन है जो वो किससे बनती है, कंसिस्ट ऑफ ए शार्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज, दो चीज। एज द नेम सजेस्ट द लेंथ इज मच ग्रेटर देन द विड्थ। इसके एग्जांपल क्या है, फीमर, टीबिया एंड फिबुला। नेक्स्ट क्या है अपना, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, प्लेट एंड सिस्मोइड बोन। दे हैव नो शाफ्ट और एक्सट्रीमिटीज आर डिराइव्ड इन शेप एंड साइज
एग्जाम्पल शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल क्या है? कार्पल्स, रिस्ट बोन, इरेगुलर बोन वर्टिब्रा एंड सम स्कल बोन। प्लेट बोन के क्या है? स्टर्नम, रिब्स एंड मोस्ट स्कल बोन। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो लॉन्ग बोन और शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, प्लेट बोन, स्पर बोन में क्या डिफरेंस है? जो लॉन्ग बोन है उसके अंदर क्या है? शाफ्ट प्रेजेंट होती है और टू एक्सट्रीमिटीज होती हैं। बल्कि जो शॉर्ट और इरेगुलर जो फ्लैट बोन है इसके अंदर क्या है? कोई भी शाफ्ट प्रेजेंट नहीं होती और ना ही इसके अंदर एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होती हैं। लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल क्या है? फीमर है, टीबिया है, फिबुला है। और जो अपनी शॉर्ट बोन है उसका एग्जाम्पल क्या है? कार्पस, जो रिस्ट बोन हो गई। इरेगुलर बोन का क्या है? वर्टिब्रा और कुछ स्कल की बोन है। प्लेट बोन का क्या है? स्टर्नम है और रिब्स हो गई, स्कल की बोन हो गई। और सिस्मोइड का क्या है? जो पटेला है, जो नी कैप है, वो किसका एग्जाम्पल है? सिस्मोइड बोन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है अपना टॉपिक? बोन स्ट्रक्चर। बोन स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? ये बोन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो बोन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज दिखाई गई है? ये दो एपिफाइसिस हैं, ये डाइफाइसिस है। क्या है? दो एपिफाइसिस हैं, एक डाइफाइसिस है। ठीक है, ये जो स्पंजी बोन है ये किसका कंटेंट है? कंटेंट रेड बोन मैरो का क्या कंटेंट है? ठीक है, ये मेडुलरी कैनाल है, ये कॉम्पैक्ट बोन दिखाई गई है इसमें। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट आर्टरी दिखाई गई है और ये हाइलाइन कार्टिलेज दिखाया गया है। तो बोन की स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज दिखाई गई अपने को? दो एपिफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, एक डायफाइसिस है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शाफ्ट बोलते हैं। जो स्पंजी है वो क्या रेड बोन का, बोन मैरो का क्या है? कंटेंट है। ठीक है, और ये क्या है? मेडुलरी कैनाल है, जो किससे कंटेंट रहती है? येलो बोन मैरो से कंटेंट रहती है। ये क्या है? कॉम्पैक्ट बोन दिखाई गई है। देन आफ्टर क्या न्यूट्रिएंट आर्टरी दिखाई गई है किसमें? फोरमैन में। और ये क्या है? हाइलाइन कार्टिलेज शो किया गया है। जो एपिफाइसिस है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं। तो बोन जो जो स्ट्रक्चर में अपन देखेंगे तो बोन किससे बनी है? डाइफाइसिस है और दो इसके अंदर क्या है? एपिफाइसिस और एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होते हैं। तो डाइफाइसिस है वो किससे बनता है? डाइफाइसिस बनता है अपना कॉम्पैक्ट बोन से, जो क्या है? सेंट्रल विद ए सेंट्रल मेडुलर कैनाल कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो। तो इसके अंदर क्या दिखा है? कंटेनिंग फैटी फैटी येलो बोन मैरो दिखाया गया है। देन आफ्टर क्या द एपिफाइसिस, एपिफाइसिस किससे बना? द एपिफाइसिस कंसिस्ट ऑफ ए आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। एपिफाइसिस किसका है? जो आउटर बोन, आउटर कवरिंग है बोन की, उससे बना है विद द बोन इनसाइड। द डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस आर सेपरेटेड बाय द एपिफाइसिस कार्टिलेज। ये किससे अलग अलग होते हैं? एपिफाइसिस कार्टिलेज से अलग अलग होते हैं। जो लॉन्ग बोन है वो लगभग किससे कवर्ड रहती है? कंप्लीटली कवर किससे रहती है? वेस्कुलर मेम्ब्रेन से। क्या है ये? कंप्लीटली कवर रहती है। जो आउटर लेयर है वो किसकी होती है? फाइबर्स की। और जो इनर है वो किसकी होती है? ऑस्टियोजेनिक कंटिंग ऑस्टियोब्लास्ट या बोन फॉर्मिंग सेल से मिलके क्या है? बनी हुई होती है। बोन का फंक्शन क्या होता है? द बोन आर गिव अटैचमेंट। बोन क्या करती है? अटैचमेंट देती है किसको? मसल्स एंड टेंडन्स को। और क्या करती है? प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम इंजरी। और क्या करती है? इन बोन इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या है आपकी?
बोन स्ट्रक्चर है, एपिफाइसिस है, डाइफाइसिस है, स्पंजी बोन है, मेडल कैनाल है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है और हायलेंट कार्टिलेज होता है बोन के अंदर। तो नेक्स्ट क्या है अपना स्ट्रक्चर ऑफ, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन। तो जनरल स्ट्रक्चर क्या है लॉन्ग बोन की, उसके बारे में क्या अपन डिस्कस करेंगे। दीज है वे डाइफाइसिस और शॉर्ट एंड टू एपिफाइसिस और एक्सट्रीमिटीज। ये क्या रखती है, दीज है वे डाइफाइसिस, यहाँ पे क्या है एक डाइफाइसिस होता है या एक शाफ्ट होती है, और दो क्या होते हैं एपिफाइसिस या एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होते हैं। द डाइफाइसिस इज कंपोज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद ए सेंट्रल मेडुलर कैनाल। जो डाइफाइसिस है वो किससे बनता है, कंपोज ऑफ ए कॉम्पैक्ट बोन विद ए सेंट्रल मेडुलर कैनाल, इसके साथ सेंट्रल मेडुलर कैनाल के साथ कंटेनिंग फैटी येलो बोन मैरो, इसके साथ फैटी येलो बोन मैरो के साथ। द एपिफाइसिस कंसिस्ट ऑफ एन आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद कैंसरस बोन इनसाइड। तो जो एपिफाइसिस है वो किससे बनता है, कंसिस्ट ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन के साथ क्या है ये एपिफाइसिस बना हुआ होता है। तो डाइफाइसिस एंड एपिफाइसिस आर सेपरेट बाय द एपिफिजियल कार्टिलेज। ये किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, एपिफिजियल कार्टिलेज के द्वारा क्या है ये सेपरेट होते हैं। विच ओसिफाई विद व्हेन ग्रोथ इज कंप्लीट, कब जब ग्रोथ कंप्लीट होती है तब क्या है ये सेपरेट होते हैं। थिकनिंग ऑफ ए बोन अकर बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू अंडर द पेरिस्टोनियम। थिकनिंग ऑफ ए बोन अकर बाय द डिपोजिशन ऑफ ए न्यू बोन, थिकनिंग किस पे डिपेंड कब होती है, बाय द डिपोजिशन ऑफ न्यू बोन टिश्यू अंडर द प्रियोस्टम। लॉन्ग बोन आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाई ए वेस्कुलर मेम्ब्रेन। जो लॉन्ग बोन है वो ऑलमोस्ट किसके द्वारा कवर्ड रहती है, वेस्कुलर मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है कवर्ड रहती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं पेरिस्टम बोलते हैं। द आउटर लेयर इज फाइब्रस एंड इनर लेयर इज ऑस्टियोजेनिक कंटेनिंग ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है, बोन फॉर्मिंग सेल होती है, एंड ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल होती है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन को फॉर्मिंग करने की सेल होती है, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या होती है, बोन को डिस्ट्रॉय करने की सेल होती है। विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन। ये दोनों के दोनों क्या है इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका किसके अंदर, रिमॉडलिंग ऑफ बोन का, बोन को रिमॉडलिंग करने में इनका मेन रोल रहता है। इट गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन एंड प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम इंजरी। ये क्या करती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है किसको, मसल्स एंड टेंडन, और प्रोटेक्ट करती है किसको, बोन फ्रॉम इंजरी। Hyaline cartilage replaces peristem on the articular surface of bone forming synovial joint. The bone, long bone क्या है almost किससे covered रहती है, completely covered by a vascular membrane, peristem, the outer layer is fibrous and inner layer is osteogenic containing osteoblast. Osteoblast क्या होती है, bone forming cell होती है, और osteoblast क्या होती है, bone डेस्ट्रन सेल होती है। विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड रिमॉडलिंग ऑफ बोन। दोनों दोनों क्या करते हैं, इन्वॉल्वमेंट रहता है किसके अंदर इनका, मेंटेनेंस और रिमॉडलिंग ऑफ बोन के अंदर। इट गेव अटैचमेंट टू मसल्स, और क्या करते हैं अटैचमेंट कराते हैं किसको, गिव टू अटैचमेंट टू मसल एंड टेंडन एंड प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम इंजरी, और क्या करते हैं
ब्रोन की इंजरी को प्रोटेक्ट करते हैं। हाइलैंड कार्टिलेज रिप्लेस प्रियोस्टम ऑन द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ बोन फॉर्मिंग साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, प्लेट बोन एंड सिस्मोइड बोन। दीज हैव ए रिलेटिवली थिन आउटर लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन विद कॉन्क्लेव बोन इनसाइड कंटेनिंग रेड बोन मैरो। दे हैव एनक्लोज्ड बाय द पेरिस्टम एस्पेक्ट द इनर लेयर ऑफ द क्रैनियल बोन वेयर इट इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूरामेट्री। किसके द्वारा कहां पर रिप्लेस होती है, replaced by duramator। These have a relatively thin outer layer of compact bone। ये क्या है? Thin layer और outer layer होती है किसकी? Compact bone with cancellous bone inside containing red bone marrow। किसके साथ containing रहती है? Red bone marrow के साथ। They are enclosed by periosteum aspect the inner layer of the cranial bone where is replaced by duramator। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एक प्लेट और इरेगुलर बोन का क्या एक सेक्शन दिखाया गया है, जिसके अंदर क्या दिखाया गया, कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन, इरेगुलर बोन, प्लेट बोन। इसका एग्जांपल है स्कल का, एक स्कल का एक सेक्शन लेके उसमें से दिखाया गया है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन के अंदर क्या है, कॉम्पैक्ट बोन, टू द नेक आई कॉम्पैक्ट बोन अपीयर सॉलिड बट ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लार्ज नंबर ऑफ हेवेन सिस्टम और ऑस्टेजन आर सीन।
डीज कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल हाइवर्सन कैनाल कंटेनिंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, किससे बनती है? कंटेनिंग ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व सराउंडिंग बाय द कनेक्टिव रिंग और प्लेट ऑफ बोन, बिटवीन दीज आर यूनेस्टिनी स्पेसेस कंटेनिंग टिश्यू फ्लूइड एंड स्पाइडर स्पेस, ऑस्टियोक्लास्ट मैच्योर बोन सेल कैनकुलाई लिंक टू विद ईच अदर एंड विद द सेंट्रल हाइवर्सन कैनाल। Narrows the bone cell or arise between Everson system contain interstitial remain of older system partly broken down during remodeling or growth of bone. The tubular arrangement of lamellae give bone greater strength than a solid structure of same size. नेक्स्ट है स्पंजी बोन। टू द नेक्स्ट आई कैनक्लियस बोन लुक लाइक ए होनीकॉम्ब। नेक्स्ट आई से जो कैनक्लियस बोन जो कैसी दिखती है, होनीकॉम्ब की तरह दिखती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन रिवेल्स ए फ्रेमवर्क फ्रॉम मीन्स लिटिल बीम्स विच कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेमिनल एंड ऑस्टियोसाइट इंटरकनेक्टेड बाई कैनकुलाई। The space between the trabecule contain red bone marrow that narrows the osteocyte. तो जो अपनी ये बोन है ये कैसी दिखती है, नेक्ट आई से होनीकॉम्ब की तरह दिखती है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है फ्रेमवर्क फॉर्म द मीनिंग ऑफ लिटिल बीम या ट्रिबिकुलेट विच कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेमिलाई एंड ऑस्टियोसाइट इंटरकनेक्टेड बाय कैनकुलाई। द स्पेस बिटवीन द ट्रिबिकुलाई contain red bone marrow that narrows the osteocytes. नेक्स्ट है बोन सेल। द बोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन फॉर्मेशन आर ऑस्टियोब्लास्ट। बोन सेल क्या है, द बोन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन मॉर्मिंग बोन फॉर्मेशन आर ऑस्टियोब्लास्ट, दीज लेटर मैच्योर इनटू ऑस्टियोसाइट्स। द ऑस्टियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल। कॉन्ड्रोसाइट क्या है, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल होती है, वो क्या करती है, डेवलप फ्रॉम द सेम पेरेंट फाइबर टिश्यू सेल। दोनों के दोनों क्या है, सेम फाइबर्स पेरेंट फाइबर्स टिश्यू से डेवलप होती हैं। डिफ्रेंशिएशन इनटू ऑस्टियोजेनिक सेल रादर देन कॉन्ड्रियोब्लास्ट इज बिलीव टू डिपेंड अपॉन ए ऑक्सीजन सप्लाई, एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। डिफ्रेंशिएशन क्या है इन दोनों में, ऑस्टियोजेनिक सेल रादर देन कॉन्ड्रियोब्लास्ट इट बिलीव टू डिपेंड अपॉन ए एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। This may be a factor affecting healing of fracture lies if the oxygen supply is deficient, there may be a preponderance of a chondroblast resulting in a cartilage union of the fracture.
नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट, दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल दैट सीक्रेट कोलेजन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोन टिश्यू, दे आर प्रेजेंट इन द डीपर लेयर ऑफ पेरिस्टम इन द सेंटर इन द सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन ऑफ इमेच्योर बोन एट द एंड ऑफ द डाइफाइसिस एडजस्ट टू द एपिफाइसियल कार्टिलेज ऑफ लॉन्ग बोन एट साइट ऑफ ए फ्रैक्चर। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स, एज ए बोन डेवलप ऑस्टियोब्लास्ट बिकम ट्रेप्ड ए रिमेन आइसोलेटेड इन दे स्टॉप फॉर्मिंग न्यू बोन एट द स्टेज एंड देयर कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर नैरोस्ड बाय टिश्यू फ्लूइड इन द कैनकुलाई दैट रेडिएट फ्रॉम ए हेवर्सन कैनाल, देयर फंक्शन आर नॉट क्लियर, इनके फंक्शन क्या क्लियर नहीं है, बट दे मे बी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम बिटवीन द बोन एंड द ब्लड। नेक्स्ट है ऑस्टियोक्लास्ट, देयर फंक्शन इज रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बोन द टू मेंटेन द ऑप्टिमम शेप, ये क्या करती है, फंक्शन इसका ऑप्टिमम शेप प्रोवाइड कराती है। दिस टेक प्लेस एट द बोन सरफेस अंडर द पेरिस्टम द मेंटेन द शेप ऑफ द बोन ड्यूरिंग ग्रोथ एंड रिमूव एक्सिस कैलकुलस फॉर्मिंग ड्यूरिंग हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, क्या है फॉर्मिंग करती है और जो एक्सिस है उसको क्या करती है रिमूव करती है, राउंड द वॉल ऑफ द मीडियलरी कैनाल ड्यूरिंग ग्रोथ एंड द कैलकुलस कैलस ड्यूरिंग हीलिंग। ए फाइन बैलेंस ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी मेंटेन नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है ऑस्टियोक्लास्ट है ये इनकी एक्टिविटी क्या करती है, मेंटेन करती है किसमें, नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में। नेक्स्ट अपना है डेवलपमेंट ऑफ बोन टिश्यू, जिसको अपन क्या है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Thanks to all.